तो गाय सुबह सुबह हो रही है फेस की सफाई, तो रोज कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लिपा पोती करती रहती है। आज क्या लगाया? टोमेटो फेशियल। बड़ा गोरा लग रहा रंग, क्या क्या गोला है इसमें? कुछ भी नहीं, इधर से दिखाना उधर के दिखा, इसमें ऐसे दिखेगा। तो सब ये कहते हैं, कमेंट आते हैं कि आपका रंग तो साफ है, काले रंग पे करके दिखाएं। तो हमारे घर में तो काला कोई है नहीं, तो किस पे करें हम बताओ? ये तो गाइस से पूछो ना। अगर मैं किसी काले बंदे को पकड़ के लाऊं, हाँ। रोज तेरे पे रेमेडी करनी है, अच्छा लगेगा? वही तो, कोई क्या सोचेगा कि हमारा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं। पापा को कहें तो ये भी गोरा लौंडा है। दूसरी बात दोस्तों, कभी भी रेमेडीज करने से रंग साफ नहीं होता। एक नेचुरली आपकी स्किन का जो असली जो ग्लो आ जाता, ग्लो आता है, नेचुरल ग्लो ऐड होता है, बट कलर कभी फेयर नहीं होता उससे। नहीं तो इतना हो तो लोग इतने काले काले हैं तो गोरे ना हो जाए। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल वहम नहीं होना चाहिए कि आप काले से गोरे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा रंग नेचुरली ऐसा ही है, स्टार्टिंग से ही ऐसा है, लेकिन अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए मैं रेमेडीज बनाती हूँ और आपको शेयर भी करती हूँ। महंगे महंगे प्रोडक्ट लगाते हो, उससे अच्छा है कि ये चीजें करो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं कभी कोई प्रोडक्ट महंगा बाहर का लगाती नहीं हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा स्किन केयर प्रॉपर होता है। और यही चीज मैंने मॉम को भी सिखाई है। नहीं, मुझे नहीं सीखनी। सीखनी नहीं आप? तो गाइज, आज के खाने में, लंच में बन रही है कड़ी। कड़ी बनी है हमारे घर में कम से कम छह सात महीनों के बाद। तो कड़ी मैं बहुत कम बनाती हूँ गाइज। क्यों बनाती हूँ कम? क्योंकि मेरे को ज़्यादा कड़ी खानी नहीं होती, मेरे को रहता है घुटनों घुटनों में दर्द। तो देखो कितना खलेरा पा दिया इसने, अभी सफाई की थी मैं, तो इसलिए कड़ी मैं बनाती हूँ बहुत ही कम। तो ठीक है गाइज, अब बनाएंगे साथ में हम राइस। ये कहना जरूरी होता है, ठीक है गाइज? तो गाइज आप कहोगे ना कि बता रहे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कम क्यों बनाते हो। तो कितनी बढ़िया एकदम पकोड़े वाली कड़ी बनाई है। बोलो ठीक है गाइज। बढ़िया सी खट्टी खट्टी, फिर से बोलो ठीक है गाइज। तो ये आज खट्टी बन गई। रात को दही ना मैंने बाहर निकाल के रख दी थी। तो गाइज अब इधर हो रही है क्लीनिंग, तो इसको पता है यहाँ पे जरा सा गंद रह गया तो मेरी क्लास ऐसा कुछ नहीं है, मैं लग जाएगी। मेरे को घर में सफाई और किचन, घर में हो ना हो किचन में सफाई जरूर होनी चाहिए, मेरे से काम नहीं होता तो इसलिए फटाफट इसने क्लीन कर दिया है। अब बनाएंगे रोटी, सुबह के नाश्ते में बनेगी परोंठी कड़ी के साथ, दोपहर को बनेंगे राइस। ओके ठीक है, ठीक है। और बताइए आपको कुछ कहना है? जो गमला है वो काफी सुंदर लग रहा है, वो रखा दूर, उसका मुंह ना देख पिग जैसा लग रहा है, जैसे पिग का मुंह होता है ना, है ना, वैसा लग रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग देवी, आपके तो गुड मॉर्निंग ही है। हाँ बेटी बोल बेटी। तो दोस्तों ये देखो, मैं इनको नहाते हुए नहीं दिखा रही आपको, ये क्या कर रहे हैं वो दिखा रही है। देखो ये फ्रिज के मैट्स हैं, और ये जो फ्रिज के इनमें रैक्स निकाले बोल वाले, वो सब धो रहे हैं। तो अच्छी बात, अपना लोअर लोअर चढ़ा के बैठे हैं। अच्छी बात, और ये क्लीनिंग चल रही है जी। अच्छी बात तो है, तो गुड मॉर्निंग ही हुई ना ये। हाँ गुड मॉर्निंग, हाँ काम करना चाहिए। तो दोस्तों आप कहते हो ना इनसे चाय बनवाते हो, देखो ये और भी काम करते हैं घर के, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ चाय ही बनाते हैं। इधर इधर आपको मोम से मिलवा देते हैं। हाँ जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया हो, ठीक हो? तो ये लगे हुए उसकी घिसाई करने में फ्रिज की, उसको घिस चुके हैं पूरा अंदर तक। फ्रिज को धोते नहीं है, धोते हैं तो फिर अच्छी तरह जैसे बर्तन साफ करते हैं ना। देख लो आप फ्रिज एक बार, आपको ऐसे लगेगा फ्रिज नहीं है ये, कोई बर्तन लेके बैठी है घिस रही है उसको पूरा, मजे से लगे पड़े हैं। देखो ब्रश भी पड़ा अंदर, ब्रश से कोने कोने साफ हो रहे हैं उसके। काम करो तो अच्छे से करो, वरना मत। यस, तो गाइस देखो बर्तन साफ करने वाली वो रखी कहाँ है, फ्रीजर के अंदर हमने वो रखा हुआ है, देख रहे हो नीचे जग भी पड़ा हुआ है शायद। बस हो गया, आप धोते ये भी दे दे पापा। तो दो फ्रेंड्स का कहना है कि पापा से चाय बनवाते हो, हम चाय चाय नहीं बनवाते हैं, मोर भी काम कराते हैं, उसका ये सबूत है दोस्तों। ये लीजिए पिताजी, ये भी करना है। ये थोड़ थोड़। है जी, लोगों को ऐसा लगता है कि हम इनसे काम कराते हैं, हम नहीं करवाते। ये मैं करने लगी थी, कहते तू अकेली परेशान होएगी, ला ये मेरे को निकाल के दे दे, ये मैं धो देता हूँ फ्रिज को साफ करने। ठीक, हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं।
नहीं मैं, हमें तो पता है ये हेल्प करते हैं, हम तो कहते नहीं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों हम लोग आराम से बेड पे बैठ जाते हैं, हमारे लिए चाय पेश की जाए तो उनको ये नहीं पता, और भी बहुत सारे काम है जो भी मर्जी से करते हैं, ना कि हम रिटायर हो गया, टाइम पास नहीं होता, क्या करूँगा। इसके पीछे कितनी सच्चाई है आप जरा बताएंगे क्या बेटी? ये हम आपको जबरदस्ती कराते हैं, आपको नहीं नहीं, मैं टाइम पास हो जाता है मेरा, अच्छे करते हो आप। हाँ बढ़िया बात है, चलिए ठीक है, मैं कहूँगी ना रहने दो, खाली बैठ के क्या करूँ। चलो तो दोस्तों आपने सुन लिया, अब आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। चलो अब मैं भी अपने काम पे लग जाती हूँ। नो दोस्तों ये भी साफ करने के लिए दे लीजिए जी, लीजिए सर एक और आ गया है। तो भाई ये भून रही हूँ मैं मखाने, मखाने क्यों भून रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलते हैं मिक्सी की तरफ और मखाने हमारे भून गए हैं, और इधर दिखा देती हूँ मैं आपको दाल। ये दाल मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दी थी, सुबह उठी थी ना मैं 6 बजे, मतलब कि जब भिगो दी थी, बज गए हैं 10, तो इसको हो गए हैं 3-4 घंटे भीगे हुए। बढ़िया सी हमारी दाल ये भीग गई है। दाल मैंने क्यों भिगोई है मैं आपको बताती हूँ। तो ये सारा पानी मैं निकाल लेती हूँ, इसे पीस लेते हैं मिक्सी में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो गाय इसे डाल लेती हूँ मैं मिक्सी में, इसका फाइन सा बिल्कुल फाइन पेस्ट मैं इसका तैयार करूँगी, और मैं इसमें क्या क्या डालूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार ये दाल डाल लेती हूँ सारी, और ये बहुत ही हेल्दी होता है जो भी मैं बनाने जा रही हूँ ना, बहुत हेल्दी ऑप्शन है ये। और गाइस ये मखाने मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं, ठंडे भी हो गए हैं, इसे डाल लेते हैं हम इन्हीं मूंग की दाल के साथ। और ऐसे तो आपसे मखाने नहीं खाए जाते, आप इसके साथ खाएंगे तो आपके मखाने भी खाए जाएंगे और हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्रेकफास्ट का। ये मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी, पानी से बढ़िया सा एकदम से स्मूथ पेस्ट इसका बन जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी अभी मैं, फिर जरूरत होगी तो बाद में डाल लूंगा, पेस्ट बना लेती हूँ। तो गाइस देखो एकदम स्मूथ पेस्ट मैंने इसका बना लिया, अब डाल देते हैं इसे हम बाउल में। सारा अच्छी तरह से मैं डाल लेती हूँ, और ये काट लिया मैंने, 2 छोटे छोटे प्याज ले लिए थे, बड़ा हो तो एक ले ले, तो 2 छोटे छोटे मैंने ये प्याज लिए। ये 2-3 मैंने ग्रीन चिली काट लिए, हरी मिर्च, और ये टमाटर लिया, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो ये सारा भी हम इसमें डाल देते हैं, और डालेंगे हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक। ये थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी, और डाल दूंगी लाल मिर्ची, और ये थोड़ा सा है धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस ये नॉनस्टिक पैन मैंने ले लिया, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा घी, और ये पैन रख दिया, आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ। तो आपका सस्पेंस कर देती हूँ खत्म। मैं बनाने जा रही हूँ इसका मूंग दाल का चीला, और विद मखाना। मखाना डालने से आपका चीला हो जाएगा हेल्दी, ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। ब्रेकफास्ट में आपको समझ नहीं आता हम क्या बनाएं, तो एकदम बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन है ये। तो अब बना लेते हैं हम इसके चीले मूंग दाल के, छोटे बड़े आपकी मर्जी है, आप छोटे बनाना चाहें छोटे बनाएं, बड़े बनाना चाहें बड़े बनाएं। इस तरह से मैं बैटर डाल लेती हूँ, छोटे छोटे बनाएंगे तो क्यूट लगेंगे बहुत। बच्चों को अगर आपने टिफिन में देने हैं ना, हरी मिर्च ना डालें, बच्चे हरी मिर्चे नहीं खाते, और इस तरह से क्यूट क्यूट छोटे छोटे बना के देंगे ना, और एक हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे आपके पता है मखाने तो बच्चे खाते नहीं हैं, वैसे बड़े तो फिर भी हम चाय के साथ चलो खा लेते हैं, बच्चे तो मखाने बिल्कुल भी नहीं खाते, और इस तरह से मखाना दे देंगे तो बहुत बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, और मखाने भी खा लेंगे, और एक हेल्दी नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। तो इसे हम सीखने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो लो जी दोस्तों अब इसे हम पलट देते हैं, तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है, टेम्पटिंग सा है ना, तो खाने में भी इतना ही मजा आता है। जैसे मूंग की दाल तो सबकी फेवरेट ऑलमोस्ट होती है, रात को तो वैसे भी हल्की हल्की दाल बनाओ ना तो खाने का मजा आता है, दाल नहीं खाना चाहते तो इसे चीला बना लेंगे तो आपका दिन बन जाएगा, और टेस्टी इतना लगता है ना बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा गाइस के साथ भी शेयर कर देती हूँ, जिनके छोटे बच्चे हैं बच्चों को इस तरह से छोटे छोटे बना के दें, बच्चे भी खुश और आप भी खुश। तो हम खाएंगे इसे केचप के साथ, आपके पास ग्रीन चटनी हो तो ग्रीन भी ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह से केचप हो तो आप केचप भी ले सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे आप खा सकते हैं। इधर ही देखते हैं दूसरी साइड से भी सीखा है या नहीं, तो अभी देखते हैं पलट के।
तो इधर से भी सीख गया है, तो कर देते हैं प्रेस थोड़ा सा ऑयल पे, घी और लगा देते हैं। घी आप देसी यूज करें चीले में ना, रिफाइंड वगैरह ना यूज करें, तो ये भी एक हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। तो इसे हल्का हल्का मैं प्रेस करती हूँ, लो टू मीडियम गैस पे आप इसे बनाएं, ज़्यादा फुल फ्लेम पे मत बनाएं, फिर ना अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से आपका चीला जल जाएगा। तो इस तरह लो फ्लेम पे हम बनाएंगे हल्का हल्का प्रेस करते हुए। और आप इसमें शिमला मिर्च, आजकल ये कॉर्न आए हुए हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, मक्की के दाने जिसको बोलते हैं, फ्रोजन कॉर्न भी मिल जाते हैं। और अपना वैसे नहीं है तो वो छल्ली मिलती है फ्रोजन वाली, वो भी ले सकते हैं, उसे दाने निकाल के भी आप इसमें डाल सकते हैं, वो भी एक हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा। शिमला मिर्च होगी, गाजर होगी ग्रेट करके, वो भी डालें आप इसमें। तो इस तरह से हम बना लेते हैं। इधर प्लेटिंग हमारी हो गई है, तो बस फटाफट से हम इसे सर्व करते हैं। बढ़िया से बन गया, कलर भी अच्छा आ गया। तो ये देखो, ये हमारी प्लेटिंग तैयार। बस अब हम खाएंगे इसे ब्रेकफास्ट, अभी तक हमने नहीं किया, इसे इंजॉय करेंगे। तो गाइज ये टोकरी मैंने पहले भी आपको दिखाई थी इस तरह की, तो वो जो पहले थी ना, मैंने आपको आलू बॉईल करके भी दिखाए थे, वो इसकी बुआ जी ले गई हैं, तो उनको भी पसंद आई, कहते हैं ये तो चीज़ बढ़िया है, तो हमने और मंगवा ली। हमें भी चीज़ ये अच्छी लगी थी। कहाँ से निकलेगा बे, अरे कहाँ गया रे तू। तो इसको ऐसे से हम फाड़ लेते हैं। तो ये बास्केट हमें बहुत अच्छी लगी थी, तो हमने मंगवा ली है। और तो ये देखो, वाओ, और इस तरह से ये इकट्ठी हो जाती है, देखो कितनी क्यूट लग रही है। और इस तरह से ये हो जाती है, और साथ में है इसके ये स्टैंड, ये नीचे लगाने के लिए ताकि पानी इस तक ना टच हो। बस हाँ जी, तेरे लिए लेके आई हूँ फ्रूट। ओके, और ये है इसकी फ्रेंड। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। तो लो जी, शाम का टाइम आ गए हैं पार्क में। आज संडे, संडे को देखो कितना रश है चारों तरफ, देख लो आप। आज तो फुहारे भी चला रखे हैं, और संडे को ना कोई प्रोग्राम भी चलता है। वो देखो सामने वहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहा है, कोई कल्चर प्रोग्राम या कुछ भी एक्टिविटी करवाते रहते हैं बच्चों से। तो इधर फुहारे चल रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या प्रोग्राम होगा। चलते हैं पहले पहाड़ी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, प्रोग्राम हो गया शुरू। जिसको पार्टिसिपेट करने का शौक है, ऑडियंस में से बुलाते हैं। जिसको गाना आता हो, कोई नाच गाना आता हो, कुछ भी करना आता हो, एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो इस लेडीज को देखो, कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी, और कितना अच्छा देख लो गाना गा रही है। हिम्मत चाहिए बोलने के लिए भी इतनी पब्लिक में, तो लेकिन इसने हिम्मत जुटाई और देखो कितना बढ़िया गाना बोल रही है। सब देखने वाले हैं, रात का टाइम है, मैं खूब लोग एंजॉय कर रहे हैं। देख, फ्रेंड्स रात हो गई है, फुहारों का कलर भी चेंज हो गया, कलरफुल कितने अच्छे लग रहे हैं। उस टाइम आया था, दिन था, तो कलर वाइट वाइट दिख रहे थे, तो अब दिख रहे हैं कलरफुल, कितना अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम तो अभी चल ही रहा है, लेट तक चलेगा। और अब हम चलते हैं घर, करते हैं खाने वाने की तैयारी घर जाके। तो बस
अभी भी रश बहुत है, लोग देख ही रहे हैं प्रोग्राम, तो जो जिन्होंने देर तक देखना बैठे हैं अपना एंजॉय करें, हम चलते हैं घर। हाँ बहुत रश था अंदर, बहुत ही ज़्यादा रश था, तो खाने पीने वाले स्टॉल भी बहुत लगे, जिन्हों को शौक है खाने पीने का खा रहे हैं, तो इधर भी क्या ये अच्छा इधर बन रही है भेलपूरी। तो पुलिस का भी पूरा इंतजाम है, रश होता है ना तो पुलिस वाले भी शाम को आते ही हैं देखो बाइकों पे, क्योंकि रश होता है ज़्यादा, तो सेफ्टी के लिए पुलिस वाले शाम को। तो चोरियाँ वोरियाँ भी बहुत होती हैं, बाइकें बहुत लोग उठा के ले जाते हैं, तो इसलिए पुलिस वाले चक्कर लगाते हैं शाम को। आप गए थे एक्टिवा उठाने आगे लेके, अब चलते हैं घर। हाँ ये बाइकों के लिए क्यों आई पुलिस, वो तो ड्यूटी कर रही है ना। और आप प्रोग्राम कैसा लगा? बढ़िया, मजा आ रहा है। संडे आज रश कितना है ना, मैं कहता हूँ जबरदस्त रश है, पूरी गर्मी में पहली बार इतना रश है, या तो हम संडे को कम आते हैं ना। रोड पे बाइक खड़ी है, बाइकें अभी तो कुछ भी नहीं है बाइकें, उस टाइम हम आए थे जब, मैंने कहा संडे को हम कम आते हैं ना, गर्मी लग गर्मी है, कुछ सत्संग जाना होता है उधर से उधर फिर चले जाते हैं, तो इसलिए आज संडे को बहुत रश है, बहुत ज़्यादा, पैर रखने की जगह नहीं थी अंदर।